स्टूडेंट्स, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है एक छोटा सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और एक्चुअली ये एक ग्लास प्लेट, जस्ट एक ग्लास प्लेट पे जो है ये बेस करता है, ठीक है। और नॉर्मली हम दूसरे मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक है उससे भी हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है बनाते हैं, लेकिन मोस्टली ग्लास प्लेट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। और इस ग्लास प्लेट पे फिर सिर्फ सिंपल ग्लास प्लेट नहीं होती, बल्कि इस पे लाइंस जो हैं वो रूल आउट की जाती हैं, लाइंस, और ये लाइंस जो हैं रूल आउट की जाती हैं, मैकेनिकली रूल आउट की जाती हैं, ठीक है। ये रूल्ड आउट ऑन इट, उस पे जो है वो लगाई जाती हैं, यानी कि स्क्रैच की जाती हैं ऑन इट, ठीक है जी। तो अब ये लाइनें जो हैं इन, यानी कि पैरेलल लाइंस लगाई जाती हैं, यही लाइनें जो हैं अगर हम बात करें तो ये पैरेलल होती हैं। पैरेलल से मुराद के इनके दरमियान हर जगह पे डिस्टेंस जो है वो एक जैसा होगा, ठीक है। और फिर ये है कि क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, इनके इनके दरमियान स्पेस जो है बहुत कम होती है, लेकिन थोड़ी सी स्पेस जो है वो लाजमी होती है, ठीक है जी। क्लोज क्लोज जो है होती हैं। और फिर ये है कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है, यानी कि कुछ स्पेसिंग रखी जाती है, और वो स्पेसिंग जो है वो स्लिट के तौर पर बिहेव करती है, ठीक है जी। यही स्पेसिंग जो है ये स्लिट के तौर पर बिहेव करती है। और हमने कहा कि बहुत सारी लाइंस लगाई जाती हैं। अगर हम एक टिपिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, जो कि हमें मिलता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक कमर्शियली जो मिलता है, तो उसकी अगर हम बात करें या लैब्स में जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ़ लाइंस अगर हम देखें, नंबर ऑफ लाइंस जो कि मतलब कमर्शियली लगी होती हैं उस पर, तो वो स्टूडेंट्स तकरीबन 400 से लेकर, ये 4 को ज़रा हम एक्यूरेटली लिखें, 400 से लेकर 5000 तक जो है वो लाइंस लगी होती हैं, ठीक है जी। 400 से लेकर 5000 तक जो है वो लाइंस लगी होती हैं, और ये लाइंस जो हैं ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ में होती हैं, जस्ट 1 सेंटीमीटर की लेंथ में इतनी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो स्क्रैच की जाती हैं। और जैसे कि हमने बात की कि इनके दरमियान में स्पेसिंग होती है, और ये स्पेसिंग स्लिट के तौर पर बिहेव करती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इतनी ज़्यादा लाइनें होंगी तो उनके दरमियान में स्लिट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा जनरेट होंगी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्लिट्स एट अ टाइम जो है वो हम यूज़ करते हैं। इससे पहले हम एक या दो स्लिट की बात करते आए हैं, जैसे कि यंग्स डबल स्लिट में हमने देखा था कि दो स्लिट्स यूज़ करते हैं, और नैरो स्लिट में हम डिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं एक ही स्लिट में। तो यहाँ पर जो ग्रेटिंग में बहुत सारी स्लिट्स होती हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स। और फिर जो है ये भी नैरो ही होती हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्लोजली जो लाइनें लगाई जाती हैं वो क्लोज होती हैं एक दूसरे के, तो स्पेसिंग जो है बहुत नैरो होती है, यानी कि स्लिट्स जो हैं बहुत नैरो होती हैं। तो और फिर यही स्लिट्स जो हैं ये डिफ्रैक्ट करती हैं अगर इनमें से लाइट जो है वो पास आउट हो, ठीक है। तो अगर हम जो है वो देखें एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को, एक कमर्शली जो हमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मिलता है किस तरह का होता है, तो यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं, और इस इमेज में स्टूडेंट्स ये एक जो है वो इसी तरह के सी एक ग्लास प्लेट जैसे कि हम बात कर रहे थे वो है, और आप देख रहे हैं कि ये लेंथ और विथ में तकरीबन 1 सेंटीमीटर जो है वो होती है। और यहाँ पे तो आपको इसमें से लाइनें जो हैं वो नज़र नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि लाइंस जो हैं वो बहुत शार्प हैं, बहुत यानी कि इसमें फाइनली जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, रूल आउट की जाती हैं, स्क्रैच की जाती हैं, तो नॉर्मल व्यू में हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दूसरी जो इमेज इसी के साथ है, ये इसी का जो है एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है जी। माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम देख रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हमें आप देख रहे हैं कि ये जो ब्राइट रीजन है, ये ब्राइट रीजन एक्चुअली ओपनिंग है, स्पेसिंग है, और ये ब्राइट रीजन जो है स्लिट के तौर पर बिहेव करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये डार्क रीजन नज़र आ रहा है, ये डार्क रीजन एक्चुअली वो लाइंस हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, जो कि स्क्रैच की जाती हैं, तो लगाई जाती हैं, यानी कि रूल आउट की जाती हैं लाइंस। और फिर आप देखते हैं कि हर कंजेक्टिव स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है, या यहाँ से लेकर अगर हम सिर्फ बिल्कुल सेंटर की बात करें, तो सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक भी, और यहाँ तक अगर हम बात करें अगली कंजेक्टिव स्लिट के लिए, तो वो भी तकरीबन उतना ही डिस्टेंस बनता है। तो हर दो कंजेक्टिव स्लिट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो सेम है। और अगर हम इस डिस्टेंस को स्टूडेंट्स ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है जी, ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ग्रेटिंग एलिमेंट
और इसको ये ग्रेटिंग एलिमेंट एक्चुअली है क्या? हम कहते हैं कि जी ये ग्रेटिंग एलिमेंट जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन टू कंजेक्टिव स्लिट्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू कंजेक्टिव स्लिट्स। टू यानी कि करीबी करीबी जो एक दूसरे के करीब करीब जो स्लिट्स होंगी एक उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, एक स्लिट और नेक्स्ट स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा कंजेक्टिव स्लिट्स। तो इसको नॉर्मली हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, ठीक है। और अगर हम फाइंड आउट करना चाहें किसी भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहें डी, तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम देखते हैं कि उसकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है जी। यानी कि डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग को हम डिवाइड करते हैं, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, ग्रेटिंग इसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस पे, जितनी लाइनें जो हैं वो ग्रेटिंग पे लगी होती हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। और नॉर्मली जो लेंथ होती है वो हम 1 सेंटीमीटर का ही ग्रेटिंग लेते हैं, नॉर्मल जो हम यूज़ में ग्रेटिंग लेते हैं। तो उसमें फिर हम देखते हैं कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस हैं, और ये लाइंस हम कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप में ये नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो काउंट की जाती हैं, फिर लेंथ को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ़ लाइंस पे, तो हमें ग्रेटिंग एलिमेंट मिल जाता है जो कि एक्चुअली स्पेसिंग यानी कि डिस्टेंस है दो कंजेक्टिव स्लिट्स के दरमियान में। तो हम जानते हैं कि स्लिट्स का, स्लिट्स की विथ या स्लिट्स का डिस्टेंस जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है डायफ्रेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटरफेरेंस को अगर हम देखना चाहें तो उस हवाले से भी। ये हम मज़ीद आगे डिस्कस भी करेंगे। तो अब जो है वो इसको, इसमें हम देखते हैं कि अगर ये डी जो है कम करना हो तो फिर हमें नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो दो स्लिट्स के दरमियान में अगर डिस्टेंस कम कर दें तो, कम करना हो तो हमें नंबर ऑफ़ लाइन जो है वो ज़्यादा चाहिए होंगी उसी ग्रेटिंग पे, ठीक है। और मज़ीद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे कि इस डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग में से बहुत सारी स्लिट्स में से डायफ्रेक्शन किस तरह से होती है, और क्या क्यों मतलब जो है ज़रूरी है, और किस तरह से यानी कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसकी स्टडी क्यों ज़रूरी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।